हेलो दोस्तों, आप सभी को उमा की रसोई में स्वागत है। फ्रेंड, आज बनाएंगे एकदम मज़ेदार नाश्ता दोस्तों, जिसको आप टिफ़िन में रख सकते हो। बच्चों के कहीं सफ़र में जा रहे हो तो ले जा सकते हो, और आप इसको 3 से 4 महीना स्टोर करके भी रख सकते हो। इसका कुछ ख़राब नहीं होता और बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। चलो, इसको किस तरीके से बनाए और इसका क्या प्रोसेस है, आप लोग वीडियो में बने रहना। अब सबसे पहले लिया हमने एक छोटी कटोरी भर के रिफाइंड ऑयल। अब आप चाहो तो इसमें घी भी ले सकते हो। और एक छोटी कटोरी भर के लिया है हमने पानी। रिफाइंड और पानी को बढ़िया से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। ये देखो, कुछ क्रीमी जैसे बन के तैयार होता है। ये ठंडा लेना है पानी दोस्तों। इस तरीके से बन के हो गया ये रेडी। मैं आप सभी को पास से दिखा रही हूँ। अब इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहो तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, आप चाहो तो मैदा से भी बना सकते हो। आपके ऊपर है कि आपको किससे बनाना है। मैंने 1 कटोरी लिया है जो गेहूं का आटा, जिससे मैं रोटी बनाती हूँ, और 1 कटोरी ली हमने मैदा। अब सबसे पहले डालेंगे इसमें 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दोस्तों। इसमें अजवाइन को क्या करेंगे, हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे, तो उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है अजवाइन की। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, 1/2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, चटपटा सा बनाने के लिए दोस्तों। और ये लिया मैंने 1 चम्मच भर के कस्तूरी मेथी। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहो तो इसकी जगह धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। अब इन्हें सारे चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से मिक्स हो गया है। अब क्या करना है हमको, इसको मुट्ठी से इस तरीके से, देखो ये मैं आप सभी को मुट्ठी बांध के दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से मोन लग गया है हमारे इसमें। अब क्या करना है हमें, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और इसका एक ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट एक आटा लगा के तैयार कर लेना है, जिसको रख देंगे साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट पे, तो ये आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर लेंगे 1 कटोरी, कटोरी में डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और 4 चम्मच डालेंगे इसमें मैदा। मैदा और रिफाइंड को बढ़िया से घोल लेंगे इस तरीके का, एक पतला सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। ये देखो दोस्तों, मैं आप सभी को पास से दिखा रही हूँ। देखो, कुछ इस तरीके का हमारा पतला सा बैटर हो गया तैयार। इसको रख देते हैं साइड में। अब ये हमारा आटे को चेक कर लेते हैं। आटा हो गया सेट, तो इसको इस तरीके से थोड़े से हाथों की मदद से मसल लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें मैंने मसल लिया है। अब इसकी हम लोई तोड़ के तैयार कर लेंगे 4। सबसे पहले एक लोई लेंगे, उसको इस तरीके से लंबा कर लेंगे, और उसमें जितना पूरी जैसा के लिए हम पेड़े बनाते हैं, उस तरीके से हम 4 पेड़े बना लेते हैं इस तरीके से। सबसे पहले एक पूरी को बेल लेंगे इस तरीके से। ये मैंने इस तरीके से भी एक पूरी बेल लिया, और इसकी देखो मोटाई दिखा रही हूँ मैं इस तरीके से, जैसे पूरी बेलते हैं ना उसी तरीके से बेल लेनी है। इनको रख देते हैं साइड में। सबसे पहले लेंगे एक पूरी, और पूरी में क्या करेंगे, जो हमने मैदा और ऑयल का जो पतला सा घोल बना के तैयार किया था, उसको इस तरीके से पूरी के ऊपर लगा देंगे। फिर इसके ऊपर दूसरी पूरी रख देंगे, उसके ऊपर भी इसी तरीके से लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, जो हम नाश्ता बनाएंगे ना, वो बिल्कुल एकदम लेयर वाला बन के तैयार होगा। अब 3 पूड़ियों को एक दूसरे के ऊपर चिपका देंगे। चिपकाने के बाद क्या करना है, इस तरीके से पूड़ी को दबाते हुए गोल गोल ले जाना है इस तरीके से। दबाते हुए ले जाना फ्रेंड, गैप बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और इस तरीके से हाथ से रोल कर लेंगे। अब क्या करना है, हम इसको चाकू से काटेंगे इस तरीके से। ये
इसमें से हमने चार पेड़े बना के तैयार कर लिए। इस तरीके से उंगली से दबा देंगे चारों पेड़ों को। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेल के तैयार कर लेना है, इस तरीके से बिल्कुल छोटा सा। ये देखो कितनी प्यारी सी लेयर आ गई है दोस्तों हमारे नाश्ते में। इसी तरीके से हम सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे। दोस्तों नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ली, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, तब क्या करेंगे एक एक पूड़ी को डाल देंगे इस तरीके से। और फ्रेंड इसको पकने में टाइम लगता है, 6 से 7 मिनट लगते हैं। इसको बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएंगे तो एकदम कुरकुरी और खस्ता हमारी नमक पारे बनके तैयार होंगे। देखो कितने प्यारा सा लेयर आ गया है दोस्तों। अब इनको ये पक जाएंगी तो इनको निकाल लेते हैं। फ्रेंड मैं आप सभी को याद दिला दूँ, नीचे एक लाइक का बटन है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर नहीं आए तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, मगर कर जरूर दिया करो दोस्तों। उससे हमें ये पता चल जाता है कि आप सभी को हमारी रेसिपी कैसी लगी। और आप लोग मुझे एक कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने भी कभी इस तरीके का नाश्ता बना के खाया है क्या। अब मैंने ये पूरा नाश्ता बना के रेडी कर लिया है। अब मैं आप सभी को पास से दिखा रही हूँ। देखो कितना खस्ता और कितना मज़ेदार नाश्ता बन के तैयार हुआ है दोस्तों। अब चलो क्या करूँगी मैं, आप सभी को हाथ से भी तोड़ के दिखाऊँगी कितना खस्ता और कितना कुरकुरा बन के तैयार होता है। दोस्तों क्या कर सकते हो आप, सुबह की छोटी मोटी भूख में खा सकते हो, सफ़र में ले जा सकते हो, बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हो। ये देखो मैंने आप सभी को तोड़ के दिखाई है तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना खस्ता और कितना कुरकुरी बन के तैयार हुई है। अब दोस्तों मैं आप सभी को एक और तोड़ के दिखा देती हूँ। फ्रेंड अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। बाय बाय।